अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद उंजुर। आज मैं आपके साथ इफ्तार के वक्त खाने के लिए उबली हुई चने की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम चने की दाल लेंगे। यहाँ पर हम आधा कप चने की दाल लिए हैं और जिसको अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखे थे, तो ये डबल हो गई है। नेक्स्ट अब हमें दाल को गलाना है। उसके लिए कोई भी वेजल या पैन ले लें और उसमें चने की दाल डाल लें। 1 कप पानी डालकर थोड़ा सा इसको मिला लें और 15 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। देखिए 15 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने दाल को गला लिया है और इसका पानी भी सूख गया है। अगर पानी ना सूखा हो तो आप फ्लेम हाई करके पानी को सुखा लें। ये दाल का पानी सूख जाने के बाद फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम बंद करके 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं यहाँ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज डालें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 नींबू या फिर 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालें। इन सबको एक बार अच्छे से मिला लें। देखिए तैयार है इफ्तार के वक्त खाने के लिए उबली हुई चने की दाल, और इसको आप सर्व कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कुक विद उंजुर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।